ग्राम अमहा के मुशाहिद रजा के घर में चोरी करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिसंबर माह में मुशाहिद रजा के घर में पिछला दरवाजा तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी को आज कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 माह बाद वह अपने घर वापस आया था, तभी मुखबिर की सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी योगेश मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित करके पुलिस कर्मियों ने उसके घर से ही उसे गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि 3 माह पूर्व दिसंबर के महीने में उसने अपने ही गांव के रहने वाले मुशाहिद रजा के घर में पीछे का दरवाजा तोड़कर चोरी की थी, जिस पर थाना कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद से ही वह व्यक्ति फरार था, लेकिन अब कोतवाली पुलिस ने उसे घर से गिरफ्तार कर लिया है एवं वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। कोतवाली थाना प्रभारी योगेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि ग्राम अमहा के ही रहने वाले तस्लीम खान उर्फ फुग्गा ने ही मुशाहिद रजा के घर में चोरी की थी और वह दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। वह अपने घर से ही कुछ दूरी पर मुशाहिद रजा के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वहीं अब मुशाहिद रजा के घर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले उस चोर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। ये घटना दिसंबर माह की है। ये अमहा के एक मुशाहिद रजा हैं। इनके घर में दिसंबर में पिछले दरवाजे से सेंध लगा के चोरी हुई थी। इसमें पिछले दरवाजे के माध्यम से चोर जो था तस्लीम और बुग्गा, ये भी अमहा का रहने वाला था, इसके द्वारा ये घटना को कारित किया गया था। और इसमें जो मुशाहिद रजा है जिनके यहाँ चोरी हुई थी, इनके घर से 2 सोने की अंगूठियाँ, 1 जोड़ सोने के टॉप्स और 1 सोने की चेन, लगभग 1 लाख का सामान चोरी हुआ था। तब से लगातार पुलिस जो है ये गुप्ता की तलाश कर रही थी, जो अपने घर में अभी मिला है अमहा में ही, और इससे पूरा सामान बरामद कर लिया गया है। इसके अन्य भी पहले मारपीट और 1302 का भी अपराध है, इस पर पहले से पंजीबद्ध है और इसमें से पूरा माल बरामद कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई के बाद इसको जेल दाखिल किया जाएगा।